जो कि है 3 लाख रुपीज। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक हियर अगेन विद अनदर वीडियो एंड आई नो आई एम रियली लेट। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट प्लानिंग टू मेक एनी वीडियो, बट आई कुडंट रिजिस्ट माय सेल्फ व्हेन आई गॉट अ नो अबाउट दिस एयरलाइन। एंड जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली तो मुझे लगा कि इस पर तो वीडियो बनाना पड़ेगा। सो आई एम हियर एंड आई नो आई एम रियली लेट एंड आई ऑल्सो नो दैट आई हैव नॉट बीन मेकिंग एनी वीडियोज और पोस्टिंग ग्रेट कंटेंट बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज आउट ऑफ मूड। आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक मेकिंग वीडियोज, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक पोस्टिंग एनी कंटेंट बिकॉज I was not seeing myself growing and that's why I decided to make another page as well, which you guys might know, and that's just for fun. And so let me just talk about the topic. And so I'm going to talk about Fly Big Airlines. So guys, I'm sure कि आप सभी लोगों को पता होगा कि Fly Big is the new airline in the market. And Fly Big जो है उन्होंने पिछले साल means 2020 में hiring करने के बारे में सोचा था, but as we all know COVID आ गया and उसके बाद it couldn't happen. So अभी recently Fly Big airline ने hire करना start किया है। Fly Big airline इंदौर based airline है और उनका एक base शिलोंग में भी है and they only have 2 aircrafts as of now. Obviously वो अपना फ्लीट साइज बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, बट अभी के लिए सिर्फ 2 aircraft है उनके पास. सो लेट मी टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स। यू शुड बी 12th pass, यू शुड बी 18+, एंड यू शुड हैव मिनिमम 155 centimeters ऑफ हाइट, एंड योर BMI शुड बी नॉर्मल, एंड योर eyesight शुड बी प्लस और माइनस 3. दिस इज बेसिक, ये सबका ही होता है और Fly Big का भी सेम है। ओनली फीमेल्स कैन अप्लाई, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड। इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई यू हैव टू गो टू देयर ऑफिशियल साइट, जो कि आप गूगल पे जाके सिर्फ टाइप करेंगे careers.flybig, तो उनकी ऑफिशियल साइट आपके सामने आ जाएगी। एंड जैसे ही आप उनका पेज खोलेंगे आपको एक ईमेल आईडी दिखेगी जिसपे आप अपना रेज्यूम सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना रेज्यूम सेंड करेंगे और अगर उनको आपका रेज्यूम अच्छा लगेगा तो वो लोग आपको कॉल करेंगे। नाउ इसी बात से कनेक्ट करते हुए आई एम गोइंग टू टेल यू उनके 2 hiring procedures हैं। ओके, सो मैं फर्स्ट हायरिंग प्रोसीजर की बात करती हूँ। जैसे कि आपने अपना रेज्यूम सेंड कर दिया, आपको आएगा कॉल और उसी कॉल पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन Fly Big एंड सम बेसिक क्वेश्चंस जिसके लिए हम सभी प्रिपेयर करते हैं। और ये होगा आपका फर्स्ट राउंड, दैट इज योर टेलीफोनिक राउंड। नाउ आफ्टर दैट, उस राउंड के कुछ दिनों बाद, हार्डली 2 या 3 दिन बाद, आपको वीडियो कॉल पे वो लोग बुलाएंगे और वीडियो कॉल पे HR आपका इंटरव्यू लेगा। ना कि सिर्फ इंटरव्यू लेंगे बल्कि आपसे ये भी बोलेंगे कि अपने हैंड्स दिखाओ, क्या आपके टैटू है या कोई आपको बर्थमार्क है, कोई इंजरी है, कोई बर्न मार्क है। यस, दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड अगर उनको लगता है कि यू आर गुड टू गो, देन दे आर गोइंग टू कॉल यू एंड देन यू हैव टू गो टू द वेन्यू जो भी वो बताएंगे, और वहां पे जाके आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये इनका फर्स्ट प्रोसीजर। अब हम आते हैं सेकंड प्रोसीजर की ओर, जो कि बाद में आया है। सेकंड प्रोसीजर है कि आपको गुरुगांव दिल्ली में जाना है उनके ऑफिशियल हेडक्वार्टर पे और वहां पे जाके वॉक इन इंटरव्यू देना है। वॉक इन इंटरव्यू के कुछ राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड है HR राउंड, जो कि सब में होता है। देन देर इज सेकेंड राउंड विच इज योर BMI, हाइट, वेट, टैटू चेक। देन देर इज थर्ड राउंड विच इज ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद देर इज दिस राउंड वेयर दे गोइंग टू आस्क यू सम जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। यस, सेकंड दे आर गोइंग टू आस्क समथिंग अबाउट ज्योग्राफी, एंड थर्ड थिंग इज दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट इंडियन मैप एंड सम बेसिक क्वेश्चंस लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड अ लॉट मोर क्वेश्चंस लाइक दैट। सो बेसिकली इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर Fly Big एयरलाइंस, एटलीस्ट इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ आई एम फॉरगेटिंग, they are also going to ask about counting not 1, 2, 3, hindi mein counting, because aap india ki airline join karne wale hain to aapko indian language ki counting bhi aani chahiye, jo ki main bolna chahungi ki mujhe bilkul nahi aati।
एंड आई थिंक आई शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट. देन आपका फोर्थ राउंड होगा जो कि है आपका पर्सनल इंटरव्यू, एंड देन वहां पे आपसे कुछ बेसिक और आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके रेज्यूमे से भी रिलेटेड होंगे. यस, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने लिखा होगा कि मुझे कुकिंग आती है तो फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ आपको कौन सी कुकिंग आती है, कैसी कुकिंग आती है, या किसी भी एक कुजीन. या फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि ओके एक्सप्लेन इट टू मी हाउ टू मेक अ टी. दिस इज वेरी बेसिक राइट, बट यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू द पर्सन हु इज गोइंग टू आस्क इट, एंड यू शुड राइट ट्रूथ इन योर रेज्यूमे. सो कीप दैट इन माइंड, जो आता है वही लिखना, हर कुछ मत लिख देना. राइट नाउ, yes, I am sure you guys might have heard, but this is the truth ki unka security deposit nahi hai wo, aur wo unki training fees hai jo ki hai 3 lakh rupees. Now let me come to the point. मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि एयरलाइंस कुछ पैसे लेती हैं जब आप ज्वाइन करते हैं. दैट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट. यस, वो एक अलग वीडियो है और वो ही एक्चुअली सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. बट फ्लाइबिक एयरलाइन जो है वो एक्चुअली आपसे ट्रेनिंग फीस ले रहे हैं. यस, यू हर्ड मी करेक्ट. एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स नोन या स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो ये ट्रेनिंग फीस इसलिए चार्ज कर रहे हैं बिकॉज इट्स कोविड एंड दे डोंट वॉन्ट देयर क्रू या गोइंग टू बी क्रू को कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो, इसलिए वो ये ट्रेनिंग फीस चार्ज कर रहे हैं जो कि इतना बड़ा अमाउंट है. और इस ट्रेनिंग फीस में आपका स्टे, फूड, ट्रैवल सब कुछ इंक्लूडेड है. सो जो पहले न्यूज आई थी वो ये थी कि उनकी ट्रेनिंग फीस 3 lakh rupees है, दैट्स इट. बट अभी जो न्यूज आई है वो कुछ डिफरेंट है, उनकी ट्रेनिंग फीस अब है 1,50,000. दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग फीस कम कर दी है. बट इसमें भी एक ट्विस्ट है, जो फ्लाइबिग एयरलाइन है उन्होंने फ्रेंडशिप की है FWSTC के साथ, विच इज फ्लाई विंग ट्रेनिंग सेंटर. तो बेसिकली जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको FWSTC से एक ईमेल आएगा और वो आपसे अपनी ट्रेनिंग फीस मांगेंगे जो कि है 1,50,000. वो ट्रेनिंग फीस सबमिट करने के बाद आपकी फ्लाइविंग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होगी, और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फ्लाई विंग वाले ही डिसाइड करेंगे इफ यू आर गोइंग टू गो अहेड एंड गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ फ्लाई विंग और नॉट. यस, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, फ्लाई विंग में ट्रेनिंग होने के बाद डिसाइड होगा कि आप कैबिन क्रू बनने वाले हैं या नहीं. इंटरव्यू देने के बाद आपका जॉब फिक्स नहीं है फ्लाई विंग एयरलाइंस में. आपको जो फीस देनी है 1.5 lakh rupees वो फ्लाई विंग वालों को देनी है, एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल और नॉन रिटर्नेबल. दे आर नॉट गोइंग टू रिफंड इट, दे आर नॉट गोइंग टू रिटर्न इट. यस, आपको फ्लाई बिग एयरलाइंस में अगर जॉब करनी है तो पहले ये इंटरव्यू क्रैक करो, उसके बाद ये ट्रेनिंग क्रैक करो, उसके बाद आपकी इमरजेंसी ट्रेनिंग या फ्लाई बिग वाली ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. एंड जब आपको फ्लाई विंग सर्टिफाई कर देगा कि येस यू आर गुड टू गो, आप फ्लाई बिग एयरलाइन के कैबिन क्रू बन सकते हैं, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा, और उसके बाद अगेन यू हैव टू पे 80,000 rupees टू योर कंपनी विच इज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि वो रिटर्न करेंगे जैसे कि बाकी एयरलाइंस करती है या नहीं करेंगे. एंड देन आपकी अगेन 2 या 3 months की ट्रेनिंग होगी, एंड उसके बाद आप फ्लाई बिग एयरलाइन के साथ फ्लाई कर पाएंगे. तो बेसिकली इन माई ओपिनियन एज अ ह्यूमन बींग, जो मुझे समझ में आया है कि वो 3 lakh rupees जो ट्रेनिंग अमाउंट थी वो अभी डिवाइड हो चुकी है, 1,50,000 फॉर फ्लाई विंग्स एंड देन 80,000 अलग से, प्लस 18% GST टैक्सेस. यस, प्लस आपको वो भी देने हैं. एंड जब आप फ्लाई बिग एयरलाइन की ट्रेनिंग करेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. सो लेट मी मेक इट इजी फॉर यू. आई टोल्ड यू अबाउट देयर रिक्वायरमेंट जो कि सब एयरलाइंस के जैसी है. सेकेंड इज दैट यू हैव टू क्रैक इंटरव्यू, देन यू हैव टू गो टू फ्लाई विंग ट्रेनिंग सेंटर एंड क्रैक द ट्रेनिंग, एंड देन यू विल रिसीव योर ऑफर लेटर, एंड देन आप फ्लाई बिग के साथ ट्रेनिंग करेंगे एंड देन आप फ्लाई करेंगे. दिस इज ऑल आई नो अबाउट फ्लाई बिग एयरलाइन.
एंड जैसे ही मुझे कोई और नॉलेज मिलेगी आई विल कम बैक टू यू गाइज एंड आई एम होपिंग दैट यू विल लाइक माई वीडियो एंड जस्ट इन केस यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज ऑन सम अदर टॉपिक्स प्लीज लेट मी नो एंड यू कैन मैसेज मी और कॉमेंट बिलो कि कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए. अगर उन टॉपिक्स की नॉलेज मुझे होगी तो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एंड दैट्स इट. बाय बाय.